हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू आदर्श विद्या फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हमने बिजनेस लो सब्जेक्ट में आ, आपने हमने स्टार्ट किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ओके okay? और उसमें हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओके मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओके एंड मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट्स डिफ्रेंस बिट्वीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स ओके तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है क्लासीफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओके तो कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप्स कौन से हैं ये आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन तो लेट्स स्टार्ट वीडियो को स्कीप ना कीजिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ओके okay? चलिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में थ्री टाइप्स के बेसिस पे आ, उसके टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ओके सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ओके तो थ्री बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट के जो है टाइप्स हैं फर्स्ट में देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है ओके okay, उसकी वैलिडिटी के बेसिस पे उसका जो है टाइप्स है टोटल फाइव टाइप्स उसके हैं एक तो फर्स्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड इनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट अन इन्फोर्सिएबल सॉरी अन इन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी के अनुसार देखा जाए तो उसके फाइव टाइप्स है वैलिड वाइड वाइडेबल इ लीगल एंड अन इन्फोर्सिबल ठीक है फिर है ऑन द बेजिस ऑफ फॉर्मेशन ऑन द बेजिस ऑफ फॉर्मेशन में देखा जाए तो फर्स्ट है एक्सप्रेस एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टेसिक कॉन्ट्रैक्ट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट ठीक है फिर आता है ऑन द बेजिस ऑफ परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के अनुसार परफॉर्मेंस के बेसिस ऊपर इसके कौन से टाइप है तो फर्स्ट है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ठीक है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स में दो टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं अनलिटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बाईलिटरल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको थ्री बेसिस पे याद रखने वैलिडिटी फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस ठीक है तो आज हम बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ठीक है कई बार ये फर्स्ट वाला ही बेसिस पे आपको पूछा जाता है क्वेश्चन के एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ठीक है तो उसके फाइव टाइप्स है वैलिड फ्इट फाइडेबल इलीगल एंड अनफोर्सिबल अन ठीक है तो लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ठीक है चलिए फर्स्ट डिस्कस करें तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किससे कहा जाता है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड इनफोर्सिबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा एग्रीमेंट जो इनफोर्सिएबल बाय लॉ है ठीक है आपने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो थी ठीक है उसमें हमने देखा था कि विच एग्रीमेंट्स आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ इट इज द कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो इसमें आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा गया है कि एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग ऑल द इेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वेलिड कॉन्ट्रैक्ट इसमें सारे जो भी इसेंशियल एलिमेंट हमने देखे थे इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से कौनसे फ्री कॉन्सेंट है ठीक है जो भी हमने आपको आ, लिखाया है कौन से कौन से है कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस लीगल रिलेशन शिप फिर है लो फुल कंसिडरेशन ठीक है फ्री कॉन्सेंट लो फुल जो इसशियल एलिमेंट्स हैं वो सारे अगर कॉन्ट्रैक्ट में है तो उसको कहा क्या कहा जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाता है एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सिबल इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट कंसेंट्स ऑल द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ठीक है उसके बाद जो तो है वॉइड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाता है द ए अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजिस टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लो बिकम्स वाइड वेन इट सीजिस टू बी इन्फोर्सिएबल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सीजिज यानी कि खत्म कर देना ठीक है सीजिस इन्फोर्सिएबल बाय लो यानी कि आ, आपका जो लॉ है आपको इन्फोर्स नहीं कर पा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो ठीक है इट इज अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट द्वाराइट कॉन्ट्रेक्ट इज वन विच कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ ठीक है इसमें आपको कहा गया है वाइट कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच विच कैन नॉट इनफोर्स बाय अ कोर्ट ठीक है हा कोर्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट के करने के लिए इन्फोर्स नहीं कर सकती ठीक है फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक विथ अ पब्लिशर आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन अ एक्सीडेंट यार कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void ड्यू टू द impossibility ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ठीक है एक्स जो है एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बुक्स राइट करने का ठीक है तो अगर कोई इसमें आपको कहा गया है कि कुछ दिनों के बाद एक्स का एक्सीडेंट हो गया और एक्स जो है डाई हो गया अब क्या होता है कि एक्स जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्यों परफॉर्मेंस इज़ इम्पॉसिबल ठीक है तो अगर कोई भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स है ठीक है वो मिसिंग है तो ये वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या बन जाएगा वॉइड क्योंकि अगर कोई भी इसेंशियल एलिमेंट्स मिसिंग होगा तो क्या होगा कि कोर्ट जो है इन्फोर्स नहीं कर पाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो ठीक है तो इसे कहा जाएगा अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजिस टू बी इन्फोर्सीबल बाय लॉ ठीक है जो लॉ है वो इन्फोर्स uh, नहीं कर सकती बिकम्स वाइड इट इट्स टू बी इन्फोर्सिबल ठीक है जो, जो है इन्फोर्सिबिलिटी अगर इसकी ख़त्म हो जाती है तो वो क्या बन जाता है वॉइड बट इन्फोर्सिबिलिटी जो है वो कब ख़त्म होगी जब उसमें कोई भी इसेंशियल एलिमेंट्स है वो मिसिंग हो ठीक है यानी कि मान लीजिए कि इसमें लो फुल कंसिडरेशन ना हो या तो फिर कोई जो भी पार्टीज़ की कैपेसिटी uh, है वो ना हो ठीक है यानी कि वो जो पार्टी है माइनर हो ठीक है या तो फिर इसमें फ्री कॉन्सर्ट ना हो ठीक है फ्री कॉन्सर्ट ना हो यानी कि कोई भी पार्टी की अगर परमिशन जो है कॉर्सियन हो अनडीफ्लूस इन्फ्लुएंस हो ठीक है फ्रॉड हो फ्रॉड से अगर आ, उसकी परमिशन ली गई हो मिस्टेक से ली गई हो मिस रिप्रेजेंट से ली गई हो ठीक है अगर उसकी वो जो है क्या बन जाता है वॉइड ठीक है और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना इम्पॉसिबल हो ठीक है तो उसको भी क्या कहा जाएगा वाइड कॉन्ट्रैक्ट ठीक है चलिए इसके बाद है वाइडेबल वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दोनों सिमिलर वर्ड लग रहे हैं बट दोनों में एक माइनर डिफरेंस है ठीक है तो इसमें कहा गया है कि एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सियबल बायल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज दर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर इज़ अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक पार्टी की ऑप्शन के अनुसार अगर इसके परफॉर्मेंस हो सकता है ठीक है यानी कि मान लीजिए कि कोई एक पार्टी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है परफॉर्मेंस करना या ना करना वो दूसरी पार्टी पर अगर डिपेंड करता हो ठीक है तो उसे क्या कहा जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म होगा या नहीं होगा वो जो इसकी परफॉर्म िलिटी है ठीक है परफॉर्मिलिटी है वो सामने वाली पार्टी पर अगर डिपेंड करती है तो उसे क्या कहा जाएगा वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो इसमें आपको कहा गया है एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लो एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज अ वायडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वेर वन ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट इट इज इन अ पोजिशन और इज़ लीगल एंड इंटीलेट और अथोराइज टू एवॉयड परफॉर्मिंग हीज पार्ट देन द एग्रीमेंट इज ट्रीटेड एंड बिकम्स वाइडेबल यानी कि सामने वाली पार्टी पर ऑथॉरिटी है सामने वाले पार्टी के पास पॉजिजन है ऐसी ऑथॉरिटी है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवॉइड भी कर सकता है या तो फिर परफॉर्म भी कर सकता है तो इसे क्या कहा जाएगा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो इसमें हमने अभी देखे डिस्कस किया वैलिड यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें सारे एलिमेंट्स है ठीक है तो बन जाता है वैलिड यानी कि विच कॉन्ट्रैक्ट्स विच एग्रीमेंट्स आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ इट इज़ कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो भी इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है ठीक है इसमें कोई भी अगर इसेंशियल एलिमेंट्स मिसिंग है तो वो क्या बन जाएगा वाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ये एक जो कॉन्ट्रैक्ट है परफॉर्म करना या ना करना वो सामने वाली पार्टी पर अगर डिपेंड करता है तो वो क्या बन जाएगा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है उसके बाद हम एक थो, थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंस जो है वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है एक तो फर्स्ट है मीनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वाइड वेन इट्स टू बी इन्फोर्सिबल यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर इन्फोर्सिबिलिटी ख़त्म कर देता है तो उससे क्या कहा जाएगा वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइडेबल किसे कहा जाता है एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ एटर ऑफ द पार्टी इज टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक पार्टी पर ही इसका डिपेंड है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है या तो फिर नहीं करना है ठीक है फिर है कॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड डू टू चेंज इन लो और चेंज इन सर्क्यूटेंसिस बियड द कॉन्टेम्बलेशन ऑफ पार्टीज यानी कि जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है कई बार क्या होता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट कोई सर्क्यूमस्टेंसिस के अनुसार वो जो है वाइड कहा जाता है ठीक है तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसको वाइड मान लिया जाता है तो मान लीजिए कि कोई माइनर है ठीक है माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट होता है ठीक है अगर बाद में वो पता चले कि वो जो पर्सन है वो माइनर था तो वो क्या बन जाता है वाइड एग्रीमेंट वाइट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ठीक है फिर आता है वॉयडेबल में क्या आता है अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ़ द कॉन्सर्ट ऑफ अ पार्टी वॉज नॉट फ्री ठीक है वायडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि वो वॉइडेबल का कहा जाता है कि जब सामने वाली पार्टी का जो है फ्री कॉन्सर्ट ना हो ठीक है जो भी इसकी परमिशन ली गई है वो फ्री ना हो ठीक है तो फ्री कॉन्सर्ट मस्ट बी रिक्वायर इन ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ठीक है फिर आता है परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अ वॉय कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म वॉय कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कभी भी परफॉर्म नहीं किया जाता क्योंकि इसकी जो इन्फोर्सिबिलिटी है वो तो है ही नहीं ठीक है ये जो परफॉर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय लो इसके बाद वॉइडेबल इफ द एग्रीड पार्टी डज नॉट विद इन द रिजनेबल टाइम his हीज़ राइट टू एवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एनी पार्टी कैन श्यू द अदर फॉर क्लेमिंग performance performance परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इसमें आपको कहा गया है कि अगर सामने वाली पार्टी सम ड्यूरिंग द टाइम ठीक है अगर रिजनेबल टाइम में सामने वाली पार्टी परफॉर्म करना या नहीं करना ठीक है नहीं करना है तो अगर उसका जो भी आंसर है सामने वाली पार्टी को इन्फॉर्म नहीं कर रही है तो उस जो सामने वाली पार्टी है उसके ऊपर केस कर सकती है ठीक uh, है इट इज़ जो अदर पार्टी है अदर पार्टी कैन सू ऑन ऑन द कोर्ट ओके तो सामने वाली पार्टी पर डिपेंड करता है कि उसे परफॉर्म करना है या नहीं करना है अगर नहीं करना है तो अगर तो उसको रिजनेबल टाइम में सामने वाली पार्टी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ठीक है नहीं करता है तो सामने वाली पार्टी को क्या है उसको राइट right है कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म उसको करा सकता है ड्यू टू कोर्ट ठीक है उसके बाद है राइट्स अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी राइट टू एनी पार्ट ठीक है राइट्स क्या है यानी कि हक जो है में कोई पार्टी का कोई भी हक नहीं है ठीक है उसके वॉइडेबल uh, में क्या होता है द पार्टी हुज कॉन्संट वॉज नॉट फ्री हैज़ द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट ठीक है जो भी पार्टी है सामने वाली अगर उसका परफॉर्म जो कॉन्सेंट है वो फ्री नहीं है तो वो क्या कर सकता है उसके पास सारे राइट है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना या ना करना ठीक है चलिए उसके बाद दो एक दो जो हमारे टाइप्स है वो बाकी है एक इलीगल एंड अन ठीक है अब इलीगल किसे कहा जाता है कि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लो फॉरबिट्स टू बी मेड यानी कि ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कोर्ट के द्वारा फॉरबिटेड है ठीक है प्रोबिटेड है तो उसके उसको क्या कहा, जा, कहा जाता है इलीगल यानी कि द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक है ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो पहले से ही इलीगल लीगल है ठीक है कोर्ट जो है उसको परफॉर्म नहीं कर कर सकता फॉरबिड्स है कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ठीक है अगर फॉर्बिट्स है तो इसके रिलेटेड जो भी इसके कनेक्टेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं वो भी सारे क्या हो जाएंगे इलीगल हो जाएंगे ठीक है वो भी परफॉर्म नहीं हो सकते ऑल कॉलेटरल एग्रीमेंट्स आर आल्सो इलीगल ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वाइड बट ऑल वाइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल ठीक है ये लास्ट वाली जो लाइन है आपको समझने जैसी है कि जो भी इलीगल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं ठीक है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं हो सकते क्योंकि वो क्या है इलीगल है ठीक है बट वाइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल मान लीजिए कि कोई भी माइनर के साथ एग्रीमेंट हो रहा है ठीक है तो माइनर क्या है वो जो एग्रीमेंट है वाइड है बट इलीगल नहीं है ठीक है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि इलीगल एग्रीमेंट्स है वो वॉयड हो सकते हैं बट वॉइड एग्रीमेंट्स जो है इलीगल नहीं भी हो सकते ठीक है तो इलीगल एग्रीमेंट्स किससे कहा जाता है कि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विज द लो फॉरबिड्स टू बी मेड यानी कि हमारे जो इंडियन लॉ है वो फॉरबिड्स करती है वो काम नहीं करना है ठीक है तो उसे कहा जाता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स फिर आता है अन इनफोर्सिबल अन इन्फोर्सिबल किससे कहा जाता है कि वेर अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट फॉर एग्जाम्पल एब्सेंस इन राइटिंग बैड बाय लिमिटेशन एक्ट ठीक है एक्सेट्रा वन और बोथ द पार्टीज कैन नॉट शू अपॉन इट इट इज डिस्क्राइब एज एन अन इंफोसिबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आ, इसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं इसेंशियल एलिमेंट्स तो हो बट कोई टेक्निकल डिफेक्ट्स के कारण इसको अगर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं ठीक है तो उसको क्या कहा जाता है अन इन्फोर्सिबल यानी कि कोई कर, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टीज़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी आ, कोई भी मान लीजिए कि वो रिटर्न में ही होना चाहिए ठीक है तो अगर रिटर्न में ना हो तो वो क्या हो जाता है एक टेक्निकल डिफेक्ट हो जाता है तो कोई टेक्निकल डिफेक्ट के कारण अगर हम उसको परफॉर्म नहीं करफोसिबल बाय लो ठीक है तो वेर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट ठीक है अगर कोई टेक्निकल डिफेक्ट के कारण वो नहीं किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है अन इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो ये जो है आपके सारे आज हमने आपके टाइप्स डिस्कस किए हैं कौन से कौन से हैं तो देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी हमने आज डिस्कस किया वैलिड वाइड वाइडेबल इलीगल एंड अन इनफोर्सिबल ठीक है वैलिड यानी कि जो एग्रीमेंट है इन्फोर्सेबल बाय लॉ है सारे इसेंशियल एलिमेंट्स हैं इसमें void यानी कि कोई भी इसेंशियल एलिमेंट्स अगर इसमें मिसिंग है तो void एग्रीमेंट वॉइडेबल यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है परफॉर्म करना या ना करना वो सामने वाली पार्टी पर अगर डिपेंड करता है तो उसे क्या कहा जाता है voidable उसके बाद है दोनों का डिफरेंस हमने देखा है उसके बाद इलीगल एंड अन इनफोर्सिबल इीगल किससे कहा जाता है जो फॉरबिड्स है इन द इंडियन लॉ तो उसे कहा जाता है इलीगल लीगल अन इन्फोर्सिबल यानी कि कोई टेक्निकल डिफेक्ट के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कि, किया जा रहा है तो उसे कहा जाता है अन इन्फोर्सिबल ठीक है तो बाकी सारे जो भी आपके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है और अगर इसमें आपके को आपको कोई भी कन्फ्यूज़ बता सके ठीक है थैंक यू